देखो अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बना है, क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। अगर नहीं बनता है तब हमको बताना, हम तब 9 बना देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है दोनों ही। तो लेट अस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे पहले जब तुम लोगों का रेसिप्रोकल वाला कराए थे तो बताए कि अगर एक रूट अल्फा लेते तो दूसरा 1 बाई अल्फा लेंगे, लेकिन वहां पर जो वर्ड था वो जो पूरा सेंटेंस, अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो वहां पर है रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों रूट आपस में रेसिप्रोकल है, लेकिन यहां पर दो रूट आपस में रेसिप्रोकल नहीं है। लेट अस फॉर्म द इक्वेशन, तुम लोगों को सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना है तो तुम्हारे पास रूट होना चाहिए। एक इक्वेशन बनाना है हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वेशन दिस, जिसका तुम जो इक्वेशन बनाओगी तो तुम्हारे इक्वेशन का जो रूट है इस इक्वेशन का रूट का रेसिप्रोकल है, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट लेना है, जो भी रूट लेती हो तुम लोग, तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट, मतलब जो आंसर तुम लोग को लाना है उसको रिक्वायर्ड इक्वेशन बोलते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट इस इक्वेशन का रूट का रेसिप्रोकल होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा जो गिवन इक्वेशन, जो तुम्हारा ऑलरेडी इक्वेशन दे चुका है, ये लिख दिया द गिवन इक्वेशन इज, इसका जो भी रूट है, इसका क्या रूट है ये भी तो हम लोगों को नहीं मालूम है, तो सबसे पहले इसका रूट लेट करेंगे। इसका रूट लेट कर लिए, लेट अल्फा एंड बीटा, बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसका रूट अगर अल्फा एंड बीटा है तो तुम्हारा जो इक्वेशन निकलेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, तुम्हारा इक्वेशन का रूट इसका रूट का बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, मतलब अगर ये अल्फा था तो तुम्हारा होगा 1 बाई अल्फा, अगर ये बीटा था तो होगा 1 बाई बीटा। अगर ये रेसिप्रोकल नहीं बोलकर कह देता कि स्क्वायर होगा, तो अगर ये अल्फा था तो लेते ये अल्फा स्क्वायर, और अगर ये बीटा था तो यहां पर लेते बीटा स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हम लोग को बोल चुका है कि तुम्हारा ये जो गिवेन इक्वेशन का रूट है, गिवेन इक्वेशन का रूट मतलब अल्फा बीटा, तुम्हारा अपना इक्वेशन अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल लेना है, इस वजह से 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, तो क्या दिया देन 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा बी रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट, और हम लोगों को इसी चीज का जरूरत है। तो सबसे पहले जो चीज ये अगर दिया है तो ये बेवजह तो नहीं दिया रहेगा, इसका कुछ ना कुछ जरूरत है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ, यहां से ए निकाले, बी निकाले, सी निकाले। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कुछ नहीं दिया हुआ ना, मतलब 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट पी दिया हुआ है, बी की जगह में पी ले लिए।